असलम सर वालेकुम असलम हुज़ैफ़ा कैसे हो सर मैं ठीक हूँ आप सुनाएँ कैसे हैं अलहमदिल्ला ठीक ठाक सर मेरा एक सवाल था हमेशा की तरह बोलो सर आप हमेशा जो है बड़ों की साइकिलें दिखाते हैं मोटरसाइकिल्स दिखाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे लिए भी है बिल्कुल है अभी हम आपको आज की वीडियो एंड तक देखना बच्चों के लिए इस्पेशली बहुत ज़बरदस्त हम साइकिल प्लस मोटरसाइकिल दोनों लेके आए एक ही चीज़ में मोपेट का कहा जाता था ऐसे लेकिन अब चूंकि जमाना एडवांस हो चुका है तो एडवांस किस्म की चीज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशली उन वाले के लिए जो अपने टीन को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट चीज होने वाली है तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा बिस्मिल्लाम असल मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक पीके। वेलकम बैक टू वीडियो। मैं मौजूद भाई, जी भाई, भाई, तो भाई मुकम्मल जीन्स जीन्स हुए हैं कैसे लग रहे हैं जरूर बताना और पूरा मैचिंग किया और अच्छा फैसल भाई हमारे पास तीन मुख्तलिफ कलर में एक ही बाइक खड़ी हुई है तो ये हमें बताइएगा स्पेशली फॉर्मेशन इसकी पहले बता दें कि ये किस मकसद के लिए कौन कौन चला सकता है इसे और पावर क्या है इसकी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी की तो ये वाला जो बाइक है ये स्पेशली ई बाइक है और इसमें साइकिलिंग की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे साइड पे पैडल भी लगे हुए हैं जहाँ पे इसकी चार्जिंग आप खत्म हो तो उसके ऊपर आप पेडलिंग भी चला सकते हो ये टू इन वन है और बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए स्कूल गोइंग है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और जो लोग प्रॉब्लम आती है स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के वाले से तो इसकी वजह से खुद मुख्तार हो सकता है स्टूडेंट अपने जाने के लिए स्कूल जाते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये मौजूद है अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताएं जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था वालदेन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अपने बच्चों को गिफ्ट कर लेकिन कंसर्न इस वजह से होते हैं कि यार टॉप स्पीड क्या होगी ऐसे तो इसकी टॉप स्पीड क्या है चार्जिंग कितनी होल्ड करती है ये और कितना चल सकती है एक चार्ज पे uh, स्पीड की बात करें तो इसके अंदर तीन स्पीड मोड आते हैं जो कि इसकी राइट साइड ग्रिप के अंदर कंट्रोल होता है और मैक्स स्पीड जो है इसकी मैक्सिमम तक तो 40 तक जाती है तो बहुत नॉर्मल स्पीड है मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट है मतलब नॉर्मल स्पीड के अंदर राइड कर सकते हैं बाकी जब इसके ऊपर लोड डाला जाता है उसके वाले से भी लोड के बाद भी थोड़ी स्पीड में फ़र्क आता है तो ये इक्नोमिकल स्पीड है और मोस्टली जितनी भी जो है ई बाइक है उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं कि स्पीड के लिए नहीं बने होते ये भी स्पीड के लिए नहीं बना हुआ ये जस्ट आपको फैसिलिटेट करता है मूविंग के लिए और दूसरा इसकी जो नया मॉडल अभी दिया गया इसके अंदर फुली डिजिटल मीटर डिस्प्ले दिया गया इसके अंदर आपको तमाम डिटेल इसके अंदर मिल जाती है इसकी स्पीड भी मिल जाती है इसके साथ नीचे बैटरी इंडिकेशन भी आपको मिल जाती है और पावर की भी आपको यहाँ पे इसके अंदर मीटर के अंदर डिस्प्ले मिल जाता है अब बात की जाए इसकी माइलेज की तो ये वन चार्ज के ऊपर तकरीबन थर्टी टू तो थर्टी फाइव किलोमीटर चलता है और चार्जिंग डोरेशन जो है इसकी चार से पाँच घंटे होती है बारह वोल्ट बारह पेयर की इसके अंदर चार बैटरी इंस्टॉल हैं टोटल अड़तालीस वोल्ट बनते हैं और अडल्ट जो है जैसे मैं मैं चलाना चाहूँ इसको इजिली चला सकता हूँ बाकी स्टूडेंट्स हैं तो दो इसके ऊपर बैठ सकते हैं बड़ा बंदा कोई भी राइड करना चाहे तो बड़ा इजीली एक बना इसके ऊपर राइड इजीली कर सकता है कितने खाएगा ये एक चार्ज पे? ये के चार्ज है और साठ सत्तर जी बिल्कुल मैक्म साठ रुपए भी करें तो साठ रुपए के ऊपर आपकी चार्ज हो जाएगा और उसके बाद इजिली इसको थर्टी फाइव किलोमीटर मैक्सिमम चला सकते हैं और जहाँ पे चार्जिंग खत्म वहाँ पे इजिली पाइडल के ऊपर भी राइड कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दो रुपए पर किलोमीटर ये आपको कॉस्ट करेगा ऐसे ऐसे ही ही। है? बिल्कुल ही। तो आजकल अगर देखा जाए तो पेट्रोल की लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है स्पेशली बच्चों को घर से चार्ज करके जाए 35 किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा फासला बन जाता है ना सर, स्कूल गोइंग और ऐसे ही। मैक्सिमम इतना माइलेज बहुत ज्यादा दूर भी बनती है हाँ ऐसे वैसे मोस्टली जितने भी लोग देखा जाता है कि स्कूल इस होते होते हैं होते करीब होते हैं हाँ. तो उसमें आने जाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है दो तीन दिन आपका ये चार्जिंग पे निकाल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर गोइंग स्कूल टू होम बैक टू होम फ्रॉम द स्कूल फिर अगर आप वैसे भी घूमना फिरना चाह रहे हैं फिर डेली चार्ज कर होता पायदारी का क्या सीन है जी इसका तो सबसे पहले पर इसकी डिटेल बताने से पहले आपको बताते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में क्वालिटी फ़ीचर काफ़ी अच्छे हैं स्पेशली देखा जाए इसके फ्रंट रिम के ऊपर तो आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर जो है इसका अलायरिम स्टाइल के अंदर फ्रंट रिम भी है और बैक के ऊपर जो है ब्रेशलेस मोटर लगी हुई है और ये दोनों जो टायर्स हैं ट्यूब है मोस्टली जितने भी जो स्पेशली साइकिल्स सा आते हैं उसके अंदर टायर ट्यूब होता है तो ये ई बाइक है इसके अंदर जो है उन्होंने ट्यूब दिया गया है फ्रंट के ऊपर भी ड्रम बे के ऑप्शन मौजूद है रियर के ऊपर भी उसके साथ ही जो आप देखें शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है स्पेशली जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी किस्म की डिज़ाइन की गई है और इसका जो स्पेशली फ्रेम है वो भी अच्छी गेज के अंदर तैयार किया गया मतलब काफ़ी अच्छा ये वेट लोड उठा सकता है नए मॉडल्स के अंदर फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं पहले इसमें प्लास्टिक मटेरियल के अंदर बास्केट आती थी तो अभी इसके अंदर मेटल में दी गई है और इसके अंदर आप छोटा मोटा लगेज भी डाल सकते हैं जैसे इसके अंदर चार्जर इसके अंदर बड़ा हुआ चार्जर है तो बंदा बड़ा खुश है ये ले के कहता है यार थम्स अप है बल्कि दो थम्स अप दे दिए हैं इसने लिखा हुआ सारा चाइनीस में हम आ, आपको यहाँ पे मेंशन होता है अड़तालीस वॉल्ट चौदह एम्पेयर ये मतलब टोटल इसकी वोल्टेज है जैसे कि चार बैटरी अड़तालीस वॉल्ट बनते हैं और टोटल एम्पेयर जो है फोर्टीन एम्पेयर बनते हैं तो फैसल भाई लगा के दिखाएं हमें ये लगेगा कहाँ पर और ये किसी भी वॉल सॉकेट पे लग सकता है ना? जी इजीली आप किसी भी वॉल सॉकेट पे लगा सकते हैं और बेहतरीन जो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है वो इसके अंदर आपको इंडिकेशन मिल जाती है कितने परसेंट आपने चार्ज किया है ट्वेंटी फोटी सिक्सटी एटी हंड्रेड जैसे हंड्रेड होगा तो आपकी ये लाइट ग्रीन हो जाएगी और ये जो इसका आप इसको प्लग करते हैं यहाँ पर इसकी सॉकेट में इस जगह पर आप इसको ईज़िली लगा देंगे और किसी भी नॉर्मल सॉकेट के अंदर जैसे ही लगाएंगे और जैसे ही चार्जिंग ये कम्प्लीट करेगा तो यहाँ पर जिसकी लाइट है ग्रीन हो जाएगी 100 परसेंट के ऊपर तो आप इसको इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ओवर नाइट चार्जिंग से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ओवर नाइट चार्जिंग के अंदर मोस्टली प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान में बिजली की काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है अप्स एंड डाउन चलते हैं वोल्टेज तो उस वजह से चार्जर पे पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका कंट्रोलर पे पर इम्पैक्ट पड़ सकता है तो जब भी आपने चार्जिंग करनी हो डे टाइम में या शाम में तो अपने सामने इसको चार्ज करें और जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाए इसको आप इजीली डिस्कनेक्ट कर दें अब मेरा आपसे एक सवाल है फैसल भाई बड़ा ज़रूरी सवाल है पैडल इसके साथ लगे हुए हैं तो एक तीर से दो शिकार भी तो हो सकते हैं हो सकता है हो इसमें ये आप हमें बताएंगे क्या पैडल से ये चार्ज होती है बैटरी इसकी आ, नहीं इसमें ये ऑप्शन नहीं इसमें जो पैडल वाली ऑप्शन है वो इसको है कि इमरजेंसी के तौर पर जैसे हम चार्जिंग ख़त्म हो जाए से ऊपर कर सकते हैं लेकिन जो आप कह रहे हैं वो रीजनरेटिंग वाला सिस्टम वो इसके अंदर नहीं है वो जो है बड़ी जो स्कूटीज आती है उसके अंदर जो है सिस्टम आता है हाँ जी और तो इसके ऊपर यह है कि आप जितना चार्ज करें उतना यूटिलाइज करेंगे और बैकअप के तौर पे आपको इसके अंदर पैडल की ऑप्शन मिल जाती है अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी जो बैटरी है इलेक्ट्रॉनिक्स है ना जी और बाइक बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेस पे तो ई बाइक चूँकि बैटरी यूज़ करता है बैटरी कम्स विद द सर्टन लाइफ स्पैम तो इसका लाइफ स्पैम कितना है नंबर एक नंबर दो ये कि क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है क्योंकि आगे बारिशों का इनशाला तबारक सीजन शुरू होने वाला है आप लोगों की दुआ कीजिए हम भी कर रहे हैं अब तो इस्लामाबाद में भी धुंध शुरू होगी पहले कभी हमने देखा सुना नहीं था इस सफर ठीक ठाक आज हम आ रहे थे तो मोटरवे बंद किया हुआ था हसना अब से उन्होंने कि आगे धों दे ये पहली दफा जिंदगी में मैंने देखा है कि इस्लाम से बंद हो तो अल्लाह पाक से दुआए जल्दी जल्दी हमें बारिश ने सी फरमाए अल्लाफ्यान अच्छा तो बारिशें लगती हैं तो बारिश में चला सकते हैं आप जी बिल्कुल आप इसको ड्यूरिंग रेन भी चला सकते हैं किसी में प्रॉब्लम नहीं है ये है कि इसका जो वाटर लेवल है वो मोटर की जो है यहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब सरफेस क्लियर हो तो उसके ऊपर रोड के ऊपर इजीली इसको आप राइड कर सकते हैं तो जैसा कि आपने पूछा था इसकी बैटरी की लाइफ के बारे में तो इसकी जो कंपनी वारंटी क्लेम करती है सिक्स मंथ के अंदर होता है किसी किस्म प्रॉब्लम आए तो आपकी उसकी जो है वारंटी क्लेम करता है बाकी डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर तो इसकी लाइफ जो है तकरीबन डेढ़ से दो साल ईजीली बैटरी चलती है बाकी जो कंपनी का क्लेम है वो सिक्स मंथ तक आपको वारंटी क्लेम मिलता है उस दौरान किसी किसान प्रॉब्लम आता है मैनुफेक्चरंग फॉल्ट के वाले से बैकअप के वाले से तो उसका आपको ईजिली क्लेम मिल जाएगा प्राइस क्या है बैटरी की अगर इन केस छः महीने गुजर जाते हैं बैटरी बी गुजर जाती है तो फिर हमने नई बैटरी लगानी है जी बैटरी की प्राइस से पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास जो भी लम्दुल्ह प्रोडक्ट वगैरह होती हैं आपको उसकी हंड्रेड परसेंट स्पेर पार्ट की अवेलेबिलिटी मिलती है तो इसका भी हमारे पास कम्पलीट सेटअप मौजूद है बिल्कुल हमारे पास वर्कशॉप मौजूद है इलेक्ट्रिकल लैब जहाँ पर आपको तमाम सर्विसेज मिल जाती हैं उसके साथ जो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है अगर पिंडी इस्लाबाद से आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं इसको बाय करना चाहते हैं तो इजीली हम आपको ये भी डिलीवर कर सकते हैं इसके पार्ट्स भी कोई भी रिक्वायर्ड हो वो भी आप इसको डिलीवर कर सकते हैं बात कर लेते हैं बैटरी की प्राइस की तो राइट ना उसकी बैटरी प्राइस जो है साढ़े सात हज़ार रुपये बड़ा अच्छा जी साढ़े सात हजार मोटर के बारे में भी बता दें कितनी लाइफ है और कितना वारंटी है आ, मोटर की जो वारंटी है इसकी जो है टू मंथ्स की वारंटी होती है इसमें किसी किस्म का मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो उस वाले से कंपनी क्लेम करती है और दूसरा जो है इसकी लाइफ लाइफ टाइम ही है मतलब ख़राब नहीं होती बस ये है कि वाटर में ये आपका डिप ना हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वो डैमेज हो सकती है बाकी इसको आप चलाएं तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आती अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स सॉल्व आउट किए हैं इसी में मोटर के वाले से हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी अब ये बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए है है ये यूनिसेक्स सारे चला सकते हैं लेकिन यहाँ मजे की बात आपको दिखाता हूँ मैंने नोट किया अभी इनसे मैं कंफर्म भी करता हूँ तो अप एंड डाउन हो होती है है ये इसका स्क्रू है, इसको आप करेंगे नीचे डाउन करना चाहें तभी कर सकते हैं थोड़ी हाइट बढ़ाना चाहे तभी आप इसको बढ़ा सकते हैं अभी ये स्टैंडर्ड हाइट है मतलब मैं भी इसके ऊपर बैठना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर ऐसे बैठ सकता हूँ बाकी पैदल चलाएंगे देखें हम कैसे चलाएंगे जी ऐसे पैडल आपने मारने

वो अपग्रेड करके मेटल में लगाई है इसे और इसके इंडिकेटर बड़े, बड़े प्यारे हैं हां पीछे स्पेशल स्पेशल इसके अंदर इंडिकेटर लगाए हैं पहले इसे मॉडल के अंदर इंडिकेटर्स नहीं थे तो ये फ्रंट के ऊपर खूबसूरत एलईडी इंडिकेटर्स लगेंगे और लाइट भी इसकी एलईडी एक काफी अच्छी तेज लाइट देगी हैंडल बार भी बड़े मजे का दिया है जी मैट फिनिशिंग के अंदर हैंडल बार दिया गया सो गाइस ये था जी क्राउन का ईवी हमने आपको दिखाया फैसल भाई ने कुछ हवा में चला के भी हमें दिखाया नो डाउट इट इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर किड्स स्पेशली और मैं तो कहूँगा आप ले दें उन्हें बड़े होकर उन्होंने छुप छुपा के जो चलाने हैं दोस्तों से ले के, अपनी निगरानी में उन्हें सिखा दें फिर उसके बाद ये है कि वो इन किसी और बाइक पर शिफ्ट होंगे तो उन्हें फ़ील एट होम वाला सीन होगा वो यूज़ टू हो चुके होंगे ऑलरेडी

तो ठीक हर कि मैं कितने पैसे हो गए कहते नहीं जी बच्चे का काम है हम बच्चों के पैसे नहीं लेते ठीक है ये कितना बड़ा जैसर था मैं थैंक यू सो वेरी मच उन्हें भी किया और आप लोगों के सामने इसलिए जिक्र किया और इनके सामने स्पेशली कि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए जितना सेफ़ एंड साउंड हम प्रोवाइड कर सकें प्रोडक्ट्स उतना बेहतर होता है तो ये अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ये किस्सा सुनाने से पहले इन्होंने कह दिया था कि बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि हम उन्हें सेफ्टी के लिए हेलमेट जो है नंबर वन प्रायोरिटी होती है तो वो हम उन्हें जरूर देंगे अदरवाइज अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही नौसिखिया है तो एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स भी यहां पे अवेलेबल है आप वो सेपरेटली खरीद सकते हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फैसल भाई जजाकल्ला जी थैंक यू जी. जीन्स ही जीन्स मैं आप yeah. आज माशाल्लाह सो so, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा गाइस बाइक मेट पिके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट न्यू पार्क की खैर है अगर आपने किया या नहीं किया <laughs> लेकिन डिस्क्रिप्शन में न्यू पार्क ट्रेनिंग कंपनी रावलपिंडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिंक मौजूद होगा डू गो अवर देयर एंड सब्सक्राइब टू दैम एज वेल टिक टॉक इंस्टाग्राम फेसबुक सब आई और इनकी वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़ असल